जा रहे हैं हमजा, लेकिन अभी रास्ते में एक छोटी सी रुकावट हुई है जिस वजह से हमें अभी यहाँ देखे आप लाइन देख रहे होंगे मेरे पीछे। जो हमारा टूर लेके चल रहे हैं, सो आपको ये बताएंगे कि हम कहाँ से कैसे कैसे निकले और कैसे कैसे पहुँचे और कहाँ कहाँ पहुँचेंगे, सो प्लीज़ आप बताइएगा। हम लाहौर से निकले रात को परसों और चलते चलते हमने एक डेरा पे स्टे किया, उसके बाद हमने बेशाम में नाश्ता किया बुफे में और उसके बाद बेशाम से हम निकले और अनलकीली बाबूसर टॉप तो बंद है बर्फ़ की वजह से, तो हमें नीचे से आना पड़ा डैम वाले रास्ते से। दो ना ख़त्म होने वाले डैम शुरू हुए और बड़ी मुश्किल से ख़त्म हुए और फिर हम चिलास क्रॉस करके, ये गोनर फार्म्स है, फार्म हाउसेस एरिया है, तो यहाँ पे गोनर में हमने स्टे किया है और आप ये देख सकते हैं पीछे माशाल्लाह गार्डन बड़े ज़बरदस्त बने हुए हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे आपको क्लियर दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि हम एक कॉर्नर में खड़े हुए हैं, तो अभी यहाँ से हम नाश्ता करेंगे और नाश्ता करके इंशाल्लाह हम हमजा जाएंगे अल्तुत बल्तुत फोर्ट विज़िट करेंगे। थैंक यू। काम जी, तो उस नाश्ते के बाद अब हम जा रहे हैं हमजा, लेकिन अभी रास्ते में एक छोटी सी रुकावट हुई है जिस वजह से हमें अभी यहाँ देखें आप लाइन देख रहे होंगे मेरे पीछे बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। यहाँ पर वो बोर्ड लगा रहे हैं जिस पे मेंशन होगा कि हमजा यहाँ से कितने किलोमीटर है, गिलगित कितने किलोमीटर है, स्कर्जू कितने किलोमीटर है, तो इसकी वजह से ये मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ से गिलगित अभी 54 किलोमीटर, तो आप देखें सीरियसली बहुत लंबी लाइन है और ऑलमोस्ट हमें एक घंटा हो चुका है कि हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। हम राकापोशी पहुँच चुके हैं, चिलास से निकले थे जैसे आपको समीत भाई ने गाइड किया था, वो आप पिछली वीडियोस में देख चुके होंगे। पहले यहाँ ठंड नहीं थी, अब तकरीबन टाइम हुआ है कुछ 4 बजे का, तो यहाँ पे अब सही वाली ठंड हो रही है, धूप ख़त्म हो रही है। राकापोशी के पहाड़ आपके पीछे नज़र आएंगे, कुछ अलग ही मंजर है इनका, अलग ही कुछ व्यू है। इधर देखते हैं तो कुछ और पहाड़ है, उधर देखते हैं तो बर्फ़ें हैं, मतलब कि समझ नहीं आती। यहाँ पर खाना खाया अभी हमने, अब यहाँ से हम हमजा की तरफ निकल रहे हैं जो यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर है, और हम वहाँ पे पहुँचेंगे और आपको मज़ीद कवरेज देंगे। जैसे कि आप सबको पता है, अभी पिछली आपने मतलब वीडियो में क्लिप में देखा, राकापोशी में भी सही वाली ठंड थी, और सीरियसली अभी हम पहुँचे हैं आलियाबाद, यहाँ भी टिका के ठंड है। मैंने बस वो शॉल उतार दी है कि यार चलो ठीक है, ऐसे मतलब ढगा टाइप फील आ रही थी ना थोड़ी सी। अभी हम पहुँचे आर्कैडियन, होटल का नाम है आर्कैडियन, बहुत मज़े का होटल है, आपको विजिट करवाता हूँ इसमें, तो आप देखें। ठीक है, ये मारखोर द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, तो बहुत मज़े के अंदर आपको वहाँ विजिट करवाते हैं अभी, ठीक है, उसका व्यू दिखाते हैं और उसमें दिखाएंगे आपको कि कैसा रूम है और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं इसमें। जैसे कि आपने मेरे सेंटोस अपार्टमेंट वाले में देखी थी शशका, तो यहाँ फ़िलहाल शशके के तौर पर सिर्फ एक एस्ट्रे, ये ब्लैंकेट पिलोस, एक और बेड, जाय नमाज और सिर्फ टॉवल। अब हम जा रहे हैं गैलरी की तरफ। सेंटोरस वाला शशका तो नहीं है यहाँ पे खैर, लेकिन शशके के पैसे यहाँ पे पूरे होते हैं कि जब आप ये व्यू देखते हैं। अभी अंधेरा है जिसमें सही वाजे नज़र नहीं आ रहा,
ये व्यू, ठंड बहुत मज़े की है और शुष्क यहाँ पे पूरा हो रहा है। आप ज़रा दिखाएं इनको कि ये व्यू कैसा लग रहा है यहाँ से। ये हरे भरे फूल तो नहीं खैर पत्तियाँ कह सकते हैं, और वो पहाड़ सामने बहुत अच्छा नज़ारा पेश कर रहे हैं। लेकिन आपको मज़ीद मैं दिखाऊँगा सुबह अपने इस व्लॉग में। ओके थैंक यू, एक्सप्लोर विद शहबाज़ के साथ, अल्लाह हाफिज़। सब कुछ इस तरह हुए हैं कि अब जा रहे हैं हम खुंजराब पास, जिसके लिए हमने ये कुछ गाड़ियां आपको नज़र आ रही होंगी, ये इस टाइप की सॉरी, तो ये हमें खुंजराब पास तक लेके जाएंगी और वहां का आपको व्यू दिखाएंगे। वीडियो करते हैं पास के रास्ते में। आप बर्फ़ देख रहे होंगे आप लोग, हमारा पाकिस्तान का नेशनल एनिमल, ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत वसी तादाद में पाया जाता है। और सर्दी की वजह से अभी ना सुबह साथ ये रोड और ये हमारी पहाड़ी होने जा रही है खुंजराब पास। ओके बाय। और इस टाइम यहाँ का टेम्परेचर 1°C। ठंड है, मेरा कैमरा मैन कांप रहा है, गला खराब हो चुका है, गला साथ नहीं दे रहा हूँ। और बहुत ही मेहनत से, कोशिश से और जस्तजू से हम आए थे। A few moments later. अच्छा जी, तो अब हम पहुंचे थे जी खुंजराब पास से वापस, और ये कौन सी जगह है? सुस्त है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भाई कौन है, हैं? ये जरा लाइट की तरफ आए ना, ये भाई हैं जी मुल्तान के, ठीक है जी। और जो हमें मिले यहाँ बर्गर के ना स्पॉट पे, और जो यहाँ से पिछले दो साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, और इनसे मिलकर मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? सर बस यही कहूँगा, गिलगित में जब भी आप आए अपनी सफाई और ना अपने आप को खुद सेफ रखें और यहाँ पे आके इंजॉय करें। थैंक यू। बाकी आप आते हुए भाई के पास बर्गर जरूर खाते जाए। बाबा जी मुल्तान। The next day. जी तो अस्सलामु अलैकुम, एक नई सुबह के साथ हमजा में आपको खुश आमदीद है। हम लोग पहुंचे हैं अल्तीत फोर्ट। अभी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे अल्तीत फोर्ट के नज़ारे। छोटी छोटी जो गलियां हैं ये बहुत मज़े की हैं। अभी आपको मज़ीद भी मैं दिखाऊंगा अल्तीत फोर्ट के व्यूज़, जो आप मेरे साथ ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें ना करें आपकी मर्ज़ी है। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, एक नई सुबह के साथ गिलगित की सुबह एक्सप्लोर विद शहबाज़ के साथ हम अपने ब्लॉग का एंड करने जा रहे हैं और अपने टूर का भी एंड करने जा रहे हैं।
जिसमें आप इंशाल्लाह ताला जब ये एडिट होगी वीडियो सब कुछ देख चुके होंगे, चिल्लास शाम फला 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 समीर भाई, इन्होंने हमें बहुत अच्छा गाइड किया। और वैसे खाने मज़े के थे, लेकिन रात वाला खाना हमने बहुत टिका के खाया, तबाही तबाही खाना था। और आप बताएं कि आपको हमारे साथ कैसा लगा? यार सबके साथ बहुत अच्छा लगा, पहली दफ़ा तो मिले नहीं थे माशाल्लाह, रिपीट क्लाइंट्स हैं, बीच में दो तीन चेहरे नए थे। बबलू के साथ हमने बड़ा इन्जॉय किया, बबलू को अगली बार आपने ज़रूर लेके आने से, ये हमारा बबलू है जी, बबलू से मिले इसलिए इसे बबलू कहते हैं। ओके जी, लड़का है माशाल्लाह, किसी बात का माइंड नहीं करता। और शहबाज भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन उठते बहुत लेट है यार, तुम कहो यार जल्दी उठ जाकर, बाकी बहुत फिट सीन है, इंशाल्लाह जल्दी दोबारा मुलाकात हो जाएगा। ओके जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच एवरीवन। तीन जंक्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तीन दुनिया की बुलंद तरीन माउंटेन रेंजेस जो हैं वो आपस में मिलती है एक जगह से, आप उन तीनों को देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये है हिमालयाज, ठीक है, वो आपको जो कॉर्नर पीछे नजर आ रहा है, इस पहाड़ का नाम क्या है? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत, इसकी हाइट है 8611 वो तो केटूगी है, नहीं नहीं 8120 8126 बिल्कुल एक मीटर भी आगे पीछे नहीं है। ठीक है, और ये दुनिया का 9th हाईएस्ट माउंटेन है और पाकिस्तान का 2nd हाईएस्ट माउंटेन नंगा पर्वत। ठीक है, अगर आपने इसका व्यू पॉइंट देखना हो तो आप फेरी मेडो से आगे ट्रैक करके जा सकते हैं, एक दिन में आप व्यू पॉइंट इसका देख के वापस आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से जरा दूर है, हिम्मत है तो बताए, यहाँ से 2 दिन लग गए। अच्छा, अभी अभी रात को जाएंगे ना, वापस जीप का ट्रैक है उधर से रायकोट से, रायकोट ब्रिज से फिर आगे पैदल का ट्रैक है 4 घंटे का, रेस्ट करेंगे फिर अगले दिन 4 घंटे पैदल ऊपर जाएंगे व्यू पॉइंट तक। इसके 3 व्यू पॉइंट है, व्यू पॉइंट 1, 2 और बेस कैंप। अच्छा, फिर उसके बाद अगली माउंटेन रेंज ये वाली है, हाँ, इसका नाम है अपना कराक्रम, बिल्कुल कराक्रम। ठीक है, ये बेसिकली सारा हुंजा जो है वो इसको कराक्रम के अंदर ही आप घूम फिर के आए। ठीक है, उसके बाद ये जो तीसरी है ये हिंदू कश है। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 माउंटेन के अलावा 2 रिवर्स भी मीट करते हैं, रिवर इंडस और रिवर गिलगित, ये उनका जंक्शन पॉइंट है। ठीक है, जो राइट से आ रहा है ये रिवर इंडस है जिसे दरियाए सिंध भी कहते हैं, और ये जो लेफ्ट से आ रहा है ये दरियाए गिलगित है। ठीक है, ये इसकी मेन डिटेल्स हैं, बाकी छोटी छोटी डिटेल्स ये आपको वकास भाई बताएंगे। वकास भाई माशाल्लाह बड़े सालों से यहाँ पे जो है ना लोगों की खिदमत कर रहे हैं, तो इन्होंने छोटी छोटी डिटेल याद की हुई है। कोई हिमालयन दुनिया के सबसे बड़े